seriously, this place is so beautiful, yeah. And we also met a friend from the group, और he's like, मैं रोज आता हूँ, बैठता हूँ, गाने सुनता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है ही, तो कोई भी आएगा. तो विक्की जी वहाँ पे आराम से अपना चादर बिछा के, ये देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ, थोड़ी स्ट्रॉबेरीज खा रही हूँ, भूख लग रही है. एंड लुक एट द कलर ऑफ दिस वाटर, लाइक कितना ब्लूइश है ना. इधर ये चार्ल्स रिवर को बहुत साफ रखा है यार, बहुत साफ रखा है. टोपी लगा के मत सो रहा है. ओ बाप रे, कितना सुंदर डॉग है, बहुत ब्यूटीफुल है ना. हाय गाइस, तो एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पे अपनी चादर वादर और पिकनिक की तैयारी कर चुके हैं, और विकी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ही इज़ प्लानिंग फॉर लाइक मंडे. आज संडे है और कल है मंडे, तो प्लानिंग चल रही है. मौसम तो बहुत अच्छा है यार, और नींद आ रही है, हवा चल रही है, और मतलब नेचुरल है ना सब कुछ, और ये पूरा बॉस्टन का स्काईलाइन है पीछे. देखो लोगों ने झूले वगैरह भी लगा लिए इधर अपने. तो अब हम लोग जा रहे हैं मुकेश भाई के घर पे, और उनका बर्थडे है, तो उनके फ्रेंड्स भी हैं साथ में, और उनका बर्थडे सेलिब्रेट होगा. बहुत अच्छा है, और कोकोनट चटनी भाभी यहाँ पे कुछ तो प्रिपेयर कर रहे हैं. मसाला पूरी और रगड़ा पैटिस, मसाला पूरी एंड रगड़ा पैटिस, चाट पार्टी. यहाँ पे भाभी ने बहुत सारे ऐसे पौधे लगाए हैं, मेथी के पौधे, टमाटर के पौधे. बिरयानी में ना जैसे गुड.
किसने अटैक किया ना तो मैं पहले उसके हाथ से एक कार्ड छीनेगा रैंडम। He shows the second card he draws on heart or diamond। तो ऐसे पावर्स है ये। मेरा समझा देगा एक बार। बता दे। यहाँ पे मैंने अटैक इज लाइक मेरे को अगर मारना है ना तुझे या तेरी लाइफ कम करने है तो मैं अटैक करेगा तुझे बैन करेगा। If you are in my Hi guys, welcome back to today's vlog। और हम लोग जा रहे हैं क्या करने विकी? साइकिलिंग करने जा रहे हैं हम लोग। या तो पहली बार हम लोग जा रहे हैं जो यहाँ बॉस्टन की फेमस ब्लू बाइक्स है वो चलाने। और मतलब पहली बार हम साइकिल चलाएंगे यहाँ पे। तो पहले हमने सोचा कि हमें ख़रीदनी है, बट ख़रीदने से पहले चेक करते हैं कि हम कैसी चला रहे हैं और ख़रीदनी चाहिए या नहीं। तो रेंट करके आप चला सकते हो। एक और चीज़ कि अभी आज वॉल्थम में फंक्शंस हो रहे हैं बहुत सारे। आपको दिखाते हैं यहाँ पे डॉग परेड हो रही है और फिर बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं हमारे एकदम अभी सामने ही चल रहा है। और चल के आपको दिखाते हैं कैसा है वहाँ पे, क्या क्या है वहाँ। तो चलो ये तो हम देख ही रहे हैं, साथ में हम जा रहे हैं साइकिल चलाने। तो कैसे ब्लू बाइक्स आप रेंट पे ले सकते हो, क्या कर सकते हो, उसके बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगी। बंद कर दिया गया है और यहाँ पे सारे फंक्शंस हो रहे हैं। दोनों तरफ ऐसे लगाया गया है छोटे छोटे शॉप्स, पेट परेड इसको बोलते हैं, लोग अपने डॉग्स को लेकर आते हैं बहुत यहाँ पे। सेटअप बहुत अच्छा किया है, हर जगह बूथ बनाया हुआ अलग अलग चीजों के लिए। राइट, सेटअप बहुत अच्छा है और आपको हर जगह डॉग्स ही डॉग्स दिखेंगे। बहुत सारे डॉग्स आए हुए हैं और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वो डॉग्स का यहाँ पे ये चलता है, कंपटीशन होते रहता है लाइक जंपिंग का, रेसिंग का, तो वो कर रहे हैं। तो हम तो चल रहे हैं आगे ब्लू बाइक्स की तरफ। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो ब्लू बाइक होती है वो कैसे काम करती है। तो मैं अभी ब्लू बाइक के ऐप में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी पास हिस्ट्री, यानी मैंने कब कब इस साइकिल का यूज़ किया। यहाँ से आप टिकट्स खरीद सकते हो, सिंगल डे ट्रिप है, यू नो 24 आवर्स का है, एनुअल मेंबरशिप है, अलग अलग तरीके का है। हम लेते हैं एडवेंचर पास जो कि 24 आवर्स का पास होता है और $10 का होता है ये। और आप $10 में 24 आवर्स अनलिमिटेड ट्रिप्स ले सकते हो। एंड ये दो दिन में भी हो सकता है, लाइक सपोज़ आप आज ले रहे हो 4 बजे शाम को, तो कल 4 बजे शाम तक आपके पास साइकिल रहेगी और आप साइकिल चला सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि जो बॉस्टन में साइकिल के जो स्टेशंस होते हैं, यानी कि आपको कहाँ कहाँ से मिलेगी साइकिल, तो इन स्टेशन से मिलेगी। अगर एक पर क्लिक करें तो ये है गवर्नमेंट सेंटर का कैम्ब्रिज स्टेशन। यहाँ पे 9 बाइक्स अवेलेबल हैं और 13 डॉग्स अवेलेबल हैं, और बाइक्स हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों होती है, तो चॉइस इज़ योर्स। तो आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का जो ऐसे मैप है वो भी डाल के चेक कर सकते हो, उसका जो रूट है वो भी देख सकते हो। और ये जो ऐप है दिस इज़ रियली हेल्पफुल। और सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी होता है, ऑनलाइन सारे डिटेल्स भी हैं। तो या ऐसे काम करता है ये ब्लू बाइक्स। नाउ लेट्स गो एंड राइड इट। तो हम लोग पहुँच गए हैं लोकेशंस पे और ऐसी होती है ब्लू बाइक्स, तो कहीं भी लगे रहती है। और इसके बहुत सारे स्टेशन्स हैं, आप एक साइकिल को कहीं से भी उठा सकते हो और दूसरे किसी स्टेशन पे जाके छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि साइकिल कौन सी अच्छी है। हाँ देख लो, तो यहाँ होता है इसका ऐसे, तो बस आपको यहाँ पे आके पेमेंट करनी है। और आप पेमेंट ऑनलाइन ऐप से भी कर सकते हो, ब्लू बाइक्स का ऐप है अपना खुद का, और ऐप का जो डिटेल्स है यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से बाइक उठाओ और चलाओ और किसी भी दूसरे स्टेशन पे जाके छोड़ दो,
जैसा मैं बोल रही थी, जरूरी नहीं है कि यहीं आगे छोड़ना है। तो बस अभी मैं अपने बाइक को जा रही हूँ, अनलॉक करती हूँ। तो हमने लिया है वन डे का, और फिर यहाँ पे दिखा रहा है अनलॉक बाइक और यहाँ पे 6 बाइक्स है टोटल और 6 डॉक्स पे अभी बाइक्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इस स्टेशन पे 6 बाइक्स हैं, 6 बाइक्स अवेलेबल हैं और 6 डॉग्स एम्प्टी हैं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ अनलॉक अ बाइक, अनलॉक पे बाइक पे क्लिक किया, देन इट विल गिव मी अ कोड। सो दिस इज द कोड, लेट्स एंटर दिस कोड हियर। तो ग्रीन आ गया, अभी ये बाइक खुल गई है। विकी की बाइक आ गई। माय बाइक इज रेडी, नाउ यू टेक योर बाइक। ओके, आई विल टेक माय बाइक नाउ। तो थोड़ा सा चलाने के बाद मुझे पता चला कि दिस इज अ रियली कूल बाइक, वाओ क्या मस्त है, और स्पीड भी बहुत अच्छी है। और ये जो सामने दिया है बास्केट, इसमें आप अपना बैग कुछ भी सामान रख सकते हो। तो मैं अपना बैकपैक यहाँ रख रही हूँ और विकी भी चला रहे हैं, एंड नाउ ही इज सेटिंग अप हिज मोबाइल कैमरा। तो विकी कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। तो वहाँ ट्राईपॉड भी लाइक सेट कर सकते हैं, जगह दिया हुआ है, या फिर गोप्रो या कुछ भी, जो भी माउंट करना वो कर लो। इसमें घंटी कैसे काम करता है पता है? ऐसे इसको घुमाएंगे तो घंटी है, लेकिन घंटी कोई बजाता नहीं है इधर, कोई भी ऐसे हॉन्क नहीं करता। और सिंपल ब्रेक का तो ये है, और पैडल जैसे अपने सिंपल वाले हैं। ये चार्ल्स रिवर है और हम लोग साइकिल चला चला के 7 किलोमीटर हमने कर लिया है। अभी हम जाने वाले हैं सीधा, यहाँ से चलते हैं।